नमस्कार, टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, आप सबका स्वागत है। आज मैं आनंद से ये डिस्कस करूंगा कि पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन की तो गर्मा गर्मी छाई हुई है और कल मोदी जी ने ज्यादा ही गर्म कर दिया है, लेकिन जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर सब लोगों का ये मानना है कि कांटे की टक्कर होगी और शायद बीजेपी हाफ वे मार्क या बीजेपी या एनडीए हाफ वे मार्क तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक हंग पार्लियामेंट का आने का ऐसा ऐसा लग रहा है कि आ सकती है। तो उस अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो कई सारे उसमें ऑप्शन हो जाते हैं कि बीजेपी क्या करेगी और किन लोगों की सपोर्ट वो ढूंढेगी। पिछले हफ्ते हमने बात की थी बीजेडी के बारे में, आंध्र से वाईएसआर, टीडीपी और बीआरएस के बारे में। एक और कैंडिडेट है आनंद, जिसके बारे में यहाँ पे एटलीस्ट हैदराबाद सर्कल्स में ये माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी शिप चेंज कर लेंगी, कि वो पहले भी एनडीए का साथ दे चुकी हैं मेरे ख्याल से जब अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी, और इस बार भी वो खुल के नहीं आ रही है कि वो इंडिया के साथ है। बीच बीच में एक आध स्टेटमेंट उनके ऐसे आते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बंगाल में ये कहा कि आप कांग्रेस पर अपना वोट वेस्ट मत करिए। अब उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि वो इसलिए कह रही थी कि बीजेपी का फायदा होगा अगर कांग्रेस या सीपीआईएम को वोट जाएगा, इसलिए उन्होंने वो बात की। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ऐसे ही था तो फिर अलायंस क्यों नहीं किया था, बैठ के भाई आप सीट डिसाइड कर लेते, आप इतनी जगह लड़ो, और कांग्रेस की तो ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि हम बंगाल में लड़ेंगे, तो वैसा हुआ नहीं। और वहां ही नहीं, इन्होंने आसाम में भी कैंडिडेट्स खड़े किए, यूपी में भी किए। तो सबसे पहले आनंद, थोड़ा ओवरऑल पिक्चर दे दीजिए कि ममता जी का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है और इलेक्शन के बाद वो क्या कर सकती है। आनंद जी, मैं अजय एक दो चीजें जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऑन अ लार्जर पिक्चर, ममता बनर्जी का अगर आप तृणमूल कांग्रेस का देखिए तो तृणमूल कांग्रेस ने के पास आज वो वोट बैंक है जो ट्रेडिशनली एक समय में सीपीएम और सीपीआई का हुआ, लेफ्ट वाले वोट को उन्होंने ज्यादा कॉर्नर किया है। हालांकि अब वहां पे भी बाइपोलर हो गया है, तृणमूल और बीजेपी ज्यादा मेजर पार्टीज रह गई हैं, ये लोग थोड़ा पीछे हैं। Having said that, मैं एक चीज जरा समझने की कोशिश आपको करनी होगी। वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट जहां पे मुस्लिम जनसंख्या काफी सब्सटेंशियल है और वहां पे एनी पार्टी विच इज गोइंग विथ बीजेपी उसकी वो एडवांटेज खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के लिए लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल से ज्यादा शी इज मोर कंसर्न अबाउट द वेस्ट बंगाल होल्ड, उनको वेस्ट बंगाल के होल्ड को नॉन कॉम्प्रोमाइज, मतलब वहां पे कुछ हो जाए वो वेस्ट बंगाल को नहीं छोड़ेंगे। ये 22 उनके पास पिछली बार एमपी थे और बहुत से लोगों का ये प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि भाई अगर अगली बार कुछ बीजेपी की कम सीटें आती हैं तो टीएमसी क्यों नहीं, तो इस तरह से डीएमके क्यों नहीं, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, ये सब नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें से लालू यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के और कांग्रेस को छोड़ के सब पार्टीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं एनडीए का पार्ट रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक मुश्त उनके पीछे खड़ा हुआ है, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि ममता बनर्जी किसी उसके तहत वो एनडीए मतलब वहां उनका सपोर्ट बनेंगे। कारण एक ही हो सकता था, जैसे नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार को अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो उनको बीजेपी का सपोर्ट करना पड़ेगा, वो उनकी थोड़ी मजबूरी टाइप है। ममता बनर्जी को अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो वो बीजेपी का विरोध करके बेटर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो बीजेपी के साथ जाने से उनका उनका जो भी वोट बैंक है उस पे असर पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट बैंक में जो आपके अपने वोटर्स हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए। दूसरा, जो लोग ये बार-बार हो रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस की जो इधर की मीटिंग्स हैं उसमें अगर आप देखिए तो डेरेक ओब्रायन या कोई कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आके वहां बोलता है।
वो अरविंद केजरीवाल वाले केस में भी बोले, फिर उनको ये भी जरूरी है कि वी आर नॉट लेफ्ट आउट। और किसी भी अलायंस में एक अलायंस विद इन अलायंस भी होता है, इसमें दो राय नहीं है। तो विद इन द अलायंस में वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इनका एक अंडर, एक अगर आप देखिए तो एक अंडर अपना एक अपना चलता रहता है, तो वो बहुत बहुत स्वाभाविक है। वो किसी भी जगह someone is more closer to someone, and इसमें कोई वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसी क्योंकि ममता बनर्जी की, अब हम लोग संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं, तो संभावनाओं पे अगर अगर मोदी जी कम आते हैं और अगर एनडीए का प्रधानमंत्री बनता है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री? मतलब अगर आप इस तरह की दूर की कौड़ी लाइए तो यस, अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार होंगे तो वो भी भाई, जब इस देश में आईके गुजराल, देवेगौड़ा साहब, कर्नाटक से तो 28 सीट है ना, उस समय उनकी इतने हम से यहां से तो 42 सीट्स हैं। और कई बार जब ये होता है, अगर आपको याद हो, कई बार उस स्टेट के लोग कहते हैं नहीं नहीं हम लोग इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े। तो मुझे लगता है कि ये अभी केवल थोड़ा बीजेपी की तरफ से इस नैरेटिव को हवा दी जाती है कि ममता बनर्जी भी आ सकती हैं, वो भी आ सकते हैं। अगर ममता बनर्जी को आना होता तो पहले भी आ गई होती। मुझे दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के पास एनडीए जाने का ऑप्शन भी बचा है। वो अपना अलग कर सकती हैं, हो सकता है, मैं इसके बारे में अगर कोई कहे, वो अलग कर सकती हैं, थर्ड फ्रंट की बात कर सकती हैं, बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर सकती हैं इंडिया गठबंधन में, कि अगर अगर इंडिया गठबंधन की कहीं संभावना है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए के साथ जाना मेरे हिसाब से दूर की कौड़ी है अभी। जी आनंद, मैं आपको दो टेबल्स दिखाता हूँ। ये बात कहाँ से उठी थी, ये वेस्ट बंगाल में जो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है उसके कैंडिडेट्स को लेकर ये टेबल बनाया है। इसमें डायरेक्ट कॉन्टेस्ट तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का 4 जगह है। थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट में ये एक जगह बीजेपी, सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस, ये 23 जगह लड़ रहे हैं। और फिर एक थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट है तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ 12 जगह लड़ रहे हैं। फिर फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट है जहाँ पे सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों वहां पे लड़ रहे हैं, इन दोनों पार्टी से 3 जगह है। इस तरह से ये 42 सीट्स में इस बार कंटेस्ट होने जा रहा है। मैंने छोटी छोटी पार्टीज नहीं ली हैं, ब्रॉडली ये 4 पार्टीज ली हैं। तो ये 12 जगह जब ये लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और फिर वो आके ये कह रही है कि भाई आप कांग्रेस को वोट नहीं डालो, तो ये प्रश्न आता है कि आप अगर पहले से डिसाइड कर लेते तो ये स्थिति आनी ही नहीं थी। ये तो पक्का है कि सीपीआईएम के साथ तो वो कभी भी नहीं कोई समझौता करेगी, बट कांग्रेस के साथ क्यों नहीं किया था, ये एक प्रश्न था। ठीक, मैं उसको दो तरह से देख रहा हूँ, और जो मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा चुनाव, ये वाले चुनाव थोड़े अजीब पिक्यूलियर से है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन हो गया, गुजरात में हो गया और हरियाणा में हो गया, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, और आमने सामने एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ये खराब करेगी, आम आदमी पार्टी को करोगे तो ये करेगी, क्या करें? मतलब क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड की लड़ाई है। उसी तरह से लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। अगर आप रोज का वो देखिए तो कांग्रेस 10 आरोप लगा रही है लेफ्ट के ऊपर, केरल में लेफ्ट वाले इनको लगा रहे हैं। कल बंगाल में 2 दिक्कतें थी जो मेरी समझ है। पहली दिक्कत ये थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में ये नहीं कह सकती कि मैं इसके साथ नहीं, मतलब कांग्रेस को, अगर टू बी फेयर टू कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लिए बहुत आसान था कि वो लेफ्ट को छोड़ देती और ममता बनर्जी से कह देती कि इतनी सीटें कर लो, वो कुछ एक मैनेजमेंट हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने उसमें अपना बिल्कुल क्लैरिटी रखी कि भाई हम लेफ्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, और मुझे लगता है ये ठीक काम भी किया, क्योंकि केरल में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कांग्रेस और लेफ्ट है, मतलब या तो लेफ्ट आएगा, वहां की 200 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। मैं हरदम ही कहता आ रहा हूं वेस्ट बंगाल के लिए कि अगर आप देखिए तो वेस्ट बंगाल में एंड ऑफ द डे सफलता का एक ही वो रहेगा पैमाना। आज इंडिया गठबंधन की 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 2 सीटें कांग्रेस, 24 सीटें हैं।
नाउ अगर इंडिया गठबंधन की 24 से 25 होती हैं, देन वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट ममता बनर्जी, और अगर 24 से 23 होती हैं, देन वी हैव ऑल द रीजंस टू क्रिटिसाइज ममता बनर्जी कि शी वाज़ नॉट एबल टू प्ले हर कार्ड्स वेल। लेकिन जैसी उम्मीद है, वो जो स्पेस है, वो कांग्रेस और लेफ्ट एक एंटी ममता बनर्जी वोट है, हर जगह होता है, कहीं पे भी जो इतने दिन तक रह जाता है उसका वोट होता है, तमिलनाडु में भी वो वोट है, पंजाब में भी वो वोट है। मेरे ख्याल में सीटें ज्यादा बढ़ने की एक संभावना ये भी है कि जो एंटी ममता बनर्जी वोट है वो स्प्लिट हो रहा है, नहीं तो क्या होता कि वो अगर एक मुश्त बीजेपी में जाता। अब जरा ये बताइए कि बीजेपी का या कांग्रेस को या सीपीएम को ममता बनर्जी का कौन सा वोट मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी इज वेरी एंट्रेंस्ड, बाइपोलर कंटेस्ट है ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में, वहां पे दे आर ओनली अ प्लेयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अगर मान ली कह रहे हैं उनको ना वोट दें, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जो कांग्रेस के एक सेनापति हैं वेस्ट बंगाल के चौधरी साहब, वो जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, उन्होंने भी वहां फैसिलिटेटर बनने के बजाय उसको और खराब करने में उस रिश्ते को, उनका भी एक अहम रोल है। मैं उसका कंपैरिजन भी बता दूं, दिल्ली में जितनी गाली या जितना अपशब्द आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कहे थे, नॉट ओनली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, वहां पे शीला दीक्षित के लड़के हैं संदीप दीक्षित, लेकिन वहां पे अरविंद सिंह लवली हैं, वहां पे इन सब लोगों ने पुरानी बातें भुला दी हैं। कोई एक स्टेटमेंट, ये जो हमारे चौधरी साहब हैं कांग्रेस के, ये क्या मिसाइल हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये कौन सी भाषा वो करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में ये ज्यादा मुश्किलें अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए करते हैं। अगर चौधरी साहब चाहते तो उसको एक बेटर ढंग से ये कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन ममता बनर्जी भाई वहां की लीडर हैं, चौधरी साहब को ये समझना होगा, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बंगाल में अगर आपका इंडिया अलायंस का कुछ करना होगा तो उसकी फाइनल कॉल तो ममता बनर्जी ही लेंगी, ये मिस्टर अरिंदम चौधरी शायद नहीं समझ पा रहे थे लास्ट तक। जी अधीर रंजन जी, लास्ट तक शायद इसको नहीं समझ पाए। जी मैं एक और स्टेट की बात करता हूं, ये आनंद आसाम में कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इसमें सिर्फ मेरे ध्यान ये दीजिए, ये जो ग्रीन वाला कॉलम है इसमें तृणमूल कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं, और अगर आप देखेंगे ये सब वहां से हैं जहां पे कांग्रेस ने भी किया है, और फिर अगर आप देखेंगे ये ज्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है। तो मेरा ये प्रश्न था आपसे कि चलिए बंगाल तो इनका होम स्टेट है और वहां पे इनका पूरा कंट्रोल है, आसाम में तृणमूल कांग्रेस को जाने की क्या वजह थी? आनंद देखिए, असम का मैं ऑफहैंड बोल रहा हूँ, मुझे तुरंत हो नहीं, लेकिन मुझे ठीक से याद है असम में 2019 के इलेक्शन में 1% या 1% से कम वोट प्रतिशत का फर्क रहा था बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। जो असेंबली इलेक्शन जब हुए थे तो तृणमूल कांग्रेस को वहां करीब 13% वोट मिले थे, मतलब मैं उसको एग्जैक्ट परसेंटेज 13% मिले थे, ये मुझे ठीक से याद है। नो मुझे ऐसा लगता है कि असम में आइडियली वो हो जाना चाहिए था, लेकिन जो बंगाल की कड़वाहट थी वो वहां तक जाके कड़वाहट खत्म नहीं हो पाई। और तृणमूल देखिए, कभी कभी एक चीज और समझनी चाहिए, कभी कभी लोकल आपका कोई नेता होता है उसका इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर वो आपके लिए लड़ रहा है वो कर रहा है, मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, इसमें से ज्यादातर लोग जो तृणमूल कांग्रेस में असम से हैं, मैं तुरंत पक्की बात नहीं लेकिन मेरा एक हंस है, उसमें कांग्रेस से आए हुए काफी लोग होंगे। तो होता क्या है कि जो इस बात को कई बार रेज किया गया है, गौरव वल्लभ अगर टूट के आम आदमी पार्टी में चले जाते, सपा में चले जाते, तो लगता कि नहीं नहीं ठीक है भाई, समान विचारधारा वाले। गौरव वल्लभ का बीजेपी में जाना थोड़ा अजीब सा लगता है कि आप उस विचारधारा की बात करते थे उसके, आज उनका एक आर्टिकल भी है, वो कितना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, जो आज उनका आर्टिकल है कि मोदी जी की सारी बातों को, और वो भी भगवामय हो गए हैं, मतलब अरे वो भी राम भक्त हो गए हैं बिल्कुल। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे जो भी कांग्रेस और तृणमूल का काडर है वो प्राइमरली
वो बीजेपी का काडर नहीं है। अब लोकल दिक्कतें हो सकती हैं, आइडियल सिचुएशन में ये तीन लोगों की जगह एक आध सीट को एडजस्ट कर लेना चाहिए था, कितना एडजस्ट हो पाता है नहीं हो पाता है वो एक लोकल है। लेकिन ये जरूर आपकी बात मैं इससे सहमत हूँ कि असम में अगर वन ऑन वन होता तो शायद बेहतर स्थिति में रहती, लेकिन अभी भी कांग्रेस और उसके बीच में एक 1% वोट का फर्क है। और यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को जो मेजोरिटी वोट मिलेंगे वो ऑपोजिशन वाले ही मिलेंगे, और यहाँ पे वो इंडिया अलायंस के ही वोट में वोट शेयर उसका ज्यादा रहेगा उसको। तो अब देखना होगा, मतलब इट हैपेंस इन वो क्या किया जा सकता है। आनंद, लास्ट में एक यूपी के बारे में पूछना था। यूपी में भदोही में तृणमूल कांग्रेस ने शायद कैंडिडेट खड़ा किया है, वहां पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने नहीं किया है, ये यूपी में वो लोग कैसे आ गए, इसके पीछे का क्या पॉलिटिक्स रहा है? नहीं, अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा दो मिनट में मैं और लार्जर पिक्चर को आपको समझा दूं। एक सज्जन है प्रशांत किशोर वाज हायर्ड बाय ममता बनर्जी। अच्छा, प्रशांत किशोर जहां जाते हैं, हमने और आपने भी बहुत से ऐसे मार्केटिंग के लोगों को देखा है जो हु आर वेरी गुड, मतलब कभी कभी आप उनको अपने आप उनसे बात करना शुरू करिए फिर यू आर हुक टू देम, आप उनकी बात को कन्विंस करने की पावर होती है इस तरह के। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रशांत किशोर अकेले, इस तरह के हमको और आपको जीवन में बहुत नहीं लेकिन 2-4-10 लोग तो ऐसे मिले ही हैं, वो आर वेरी गुड एट टॉकिंग। Now, प्रशांत किशोर has got that thing to convince someone. प्रशांत किशोर ने जब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने टारगेट किसको किया, ये ध्यान रखिएगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का एक भी व्यक्ति तोड़ के नहीं लाया, वो केवल और केवल कांग्रेस का तोड़ के ले जा रहे थे। सुष्मिता देव इन त्रिपुरा, ललितेश्वर प्रदीप त्रिपाठी फ्रॉम यूपी, और ये सब लोग सेकेंड थर्ड जनरेशन कांग्रेसी थे। मतलब ललितेश्वर के बाबा कमलापत त्रिपाठी थे, सुष्मिता देव के पिता संतोष मोहन देव बड़े नेता थे कांग्रेस के। उसी तरह से मैं फर्नांडो या क्या नाम था जो गोवा के पुराने चीफ मिनिस्टर को ले आए थे, फलर जो भी नाम आप समझ गए, हालांकि वापस चले। तो वहां पे एक प्रशांत किशोर ने उनको कोई सब्जवाग दिखाया था कि कांग्रेस की हालत खराब है और आप जब अगर ऐसा करेंगे तो पूरी कांग्रेस आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की हालत उनको लगा था कि नहीं ठीक है। फिर एक अटेम्प्ट और हुआ था, वो इसलिए याद करना जरूरी है कि जस्ट आफ्टर बंगाल इलेक्शन एक नॉन यूपीए नॉन एनडीए थर्ड फ्रंट बनाने की बात ममता बनर्जी के थ्रू प्रशांत किशोर ने की थी। ममता बनर्जी उसके लिए गई भी थी, बंबई गई थी, मिली थी लोगों से, बिजनेसमैन से मिली थी, लेकिन वो मामला टेक ऑफ नहीं कर पाया। ममता बनर्जी ने कोशिश बहुत की थी कि एक नॉन यूपीए कुछ कर ले। उसमें ललितेश्वर जी भी चले गए टीएमसी में। अब कुछ लोगों का कहना यह है, वो सुनी हुई बातें हैं, मैं मतलब कि ललितेश्वर जी के कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। ललितेश्वर जी का बहुत ठेके पट्टे का काम बंगाल में होता है ऐसा कहा जाता है, उनकी कंपनी या उनसे उनसे रिलेटेड जो लोग हैं। अब उनके लिए अगर थोड़ा बंगाल में टीएमसी ज्वाइन कर लेने से वो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हमारे एक आगरा के ठेकेदार साहब हैं, वो बीजेपी के आदमी हैं, वो कहीं ठेका करते हैं, सड़क धस जाती है तब भी कुछ नहीं होता है, एक्सप्रेसवे में कई धस गई, लेकिन चूंकि ठेकेदार साहब बीजेपी के हैं तो सब माफी है, उनको शायद डबल पेमेंट हो जाता होगा। उसी तरह से ललितेश्वर वहां चले गए। जब ललितेश्वर वहां चले गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो अब उनके लिए बेचैनी थी कि यहाँ कैसे आए। आपको मैं याद फिर दिला दूं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में एक टेसिट सी रिस्पेक्ट कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, वो है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जब इलेक्शन 2022 में उत्तर प्रदेश में था तो इट वाज ओनली ममता बनर्जी हु केम टू बनारस फॉर अ ज्वाइंट रैली विद समाजवादी पार्टी। अब ललितेश्वर ये कांग्रेस ने नहीं दिए। जब अच्छा अखिलेश इज कॉलिंग द शॉट्स इन उत्तर प्रदेश, 17 सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी, अपनी 63 सीट में से पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस उन्होंने टीएमसी को एक सीट दी है। नौ, अब ये मेरे ख्याल में ये कांग्रेस की तरफ से बेकूफी की बात होती है अगर कांग्रेस कहती कि भाई हम भी अगर वहां पे अखिलेश इज कॉलिंग द शॉट्स तो ठीक है उनको लग रहा है, और भदोही एक अच्छी सीट है जहां से ललितेश्वर जीत भी सकते हैं, मतलब ये वहां से लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो मुझे लार्जर उसमें ठीक है, वो इंडिया अलायंस का पार्ट है, इंडिया अलायंस से लड़ रहे हैं,
तो ओवरऑल तो आप कहीं ना कहीं कमिट कर रहे हैं ना कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के उस पर वोट मांगेंगे। अब देखने वाला ये होगा कि भदोही में जाके क्या ज्वाइंट रैली होती है, या जैसे अगल बगल रैली होती है तो आसपास के कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, जैसे अगर गाजियाबाद रैली हो रही है तो चार पांच, तो वो देखने वाला होगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ज्वाइंट रैली में ललितेश्वर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अजय राइट, आनंद, आई थिंक पूरा चुनाव ही बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन पे दिन। हम सबकी अब 4 जून का इंतजार है। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस। ये बात मैंने आपसे इसलिए की कि ये हैदराबाद सर्कल्स में एक क्वेश्चन मार्क ममता बनर्जी पर बना हुआ है कि ये पोस्ट पोल शायद जंप कर जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पर्सपेक्टिव। अजय, आई विल जस्ट ऐड टू इट। अब देखिए, ये लगातार एक बात और भी चल रही कि मोदी जी गए थे 19 की रात में नागपुर रुके, उनसे कोई मिला नहीं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है भाई। चर्चा तो गडकरी भी उनसे नहीं मिले, गडकरी का घर है, गडकरी वो नागपुर, गडकरी ने कहा नहीं मिलेंगे, नागपुर गए आरएसएस। तो मेरा कहना यह है कि ये मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हम और आप की चर्चा में भी बहुत से लोग जो पिछले 10 साल से मोदी 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 नामा कर रहे थे, वो अब आके अल्टीमेटली कहते हैं यार अब राहुल गांधी को कैसे वोट दे सकते हैं, तो आप मुझे क्यों। तो एक मुझे लगता है कि बीजेपी का एक नैरेटिव ये भी है कि राहुल गांधी, अरे भाई कैसे नहीं दे सकते हैं, मतलब एक कारण बताइए कि क्यों नहीं दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा बीजेपी द्वारा फैलाया हुआ भी एक ये है जिससे किसी के ऊपर रिलाई मत करो, नो वन शुड रिलाई ऑन एनीवन, जो बीजेपी का, बीजेपी उससे ताकत लेती है, बीजेपी गेट्स स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट। यस अजय, बिल्कुल सही आपने बोला। यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा हैदराबाद में वो बीजेपी के कैंडिडेट एक लेडी, उन्होंने अलग ही एक तमाशा जैसा बना दिया है, वो कैंपेनिंग में शायद आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे। तो यहाँ पे भी काफी कुछ हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश की जा रही है, लेकिन ये असफल रहेगी अभी। थैंक यू वेरी मच आनंद, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।